शायरी कविताओं भरी शाम में तो अच्छी उम्मीद होगी, बुरी तो होगी नहीं। बिल्कुल, मैं क्या पहली बार ऐसा हुआ कि जो हिंदी के जो कवि हैं और उर्दू के जो शायर हैं वो इकट्ठा एक मंच पे खड़े होंगे, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो हिंदुस्तान में ऐसी पहल कभी नहीं हुई, तो ये एक मुबारकबाद की बात है कि हिंदी के कवि और उर्दू के शायर एक मंच पर बैठेंगे और अपनी कविताएँ सुनाएंगे। Anyone nominated for any award is a great honor, especially for the Oscars and Grammy. So I wish her all the best, and I hope she wins it. सुनाया था और यहाँ पे भैंसों के तबेले वाले एक साहब थे, उन्होंने मुशायरा किया और शायरों ने जितना मांगा उतनी ही रकम दी कि भैया हम तो 2501 लेंगे। कह रहे भैया 2700 लीजिए। बड़ा अच्छा खान पान, बड़ी सेवा सत्कार किया। भैंसों के तबेले वाला जुबिसरी का, गोरखपुर का रहने वाला, सारे शायर बहुत खुश हो गए। पूछा उन्होंने, परमादरणीय कैफी साहब ने पूछा, भैया ये कमाल कर दिया आपने। कल यहां दीवार थी, है आज एक दर देखिए। कल यहां दीवार थी, है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए। कल यहां दीवार थी, है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और जावेद साहब, बरखा जी, अशोक चक्रधर जी, राहत इंदौरी साहब, बहुत मज़ा आया। और बड़े सालों के बाद मैंने सुना, और क्योंकि मुझे याद है एक ज़माने में जो काफ़ी टीवी में आया करता था शेर व शायरी मुशायरा, और आज लाइव में यहाँ पे आया, बहुत मज़ा आया। बहुत एक इनक्रेज किया मुझे यहाँ पे, ये जो देख कर माहौल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिली, देखने मिली।